ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 8 श्लोक संख्या 4। महद्विचलनं नृणां गृहिणां दिनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। शब्दार्थ महद विचलनम महापुरुषों की गति, निर्णाम सामान्य पुरुषों के घरों में, गृहिणाम विशेषतया गृहस्थों की, दिन चेतसाम जो परिवार के भरण में लगे रहने के कारण सरल चित्त हैं, निःश्रेयसाय महापुरुष को गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे लाभ पहुंचाना है। भगवान हे शक्तिशाली भक्त, कल्पते इस तरह समझना चाहिए, न अन्यथा और किसी प्रयोजन के लिए नहीं, क्वचित किसी भी समय। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे महानुभाव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दिनचित गृहस्थों के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं, अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। तात्पर्य, नंद महाराज ने यथार्थ बात कही है कि भक्त होने के कारण गर्ग मुनि को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे पूर्ण आत्मा राम हैं। फिर भी वे भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। श्री भगवान का यही कार्य है और भक्तों का भी यही कार्य होता है, पर उपकार अर्थात सामान्य जनता के लिए कल्याण कार्य करने का। और यह कार्य जो कोई पूरा करता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर उपकार का उपदेश विशेष रूप से भारतवासियों को दिया है। भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्यों के लाभ के लिए पर उपकार कार्य करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 9:41 में इसका उल्लेख मिलता है। कुल मिलाकर शुद्ध वैष्णव भक्त का कर्तव्य है कि वह दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। नंद महाराज समझ गए थे कि गर्ग मुनि इसी काम के लिए आए हुए हैं, अतः अब उनका कर्तव्य था कि वे गर्ग मुनि के उपदेश के अनुसार कार्य करें। अतः उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे मेरा कर्तव्य बतलाएं। हर एक की, विशेष रूप से हर गृहस्थ की ऐसी ही मनोवृत्ति होनी चाहिए। हर एक की, विशेष रूप से हर गृहस्थ की ऐसी ही मनोवृत्ति होनी चाहिए। वर्णाश्रम समाज 8 विभागों में संगठित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। नंद महाराज स्वयं गृहिणाम अर्थात गृहस्थ का प्रतिनिधित्व करते थे। वस्तुतः ब्रह्मचारी को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु गृही तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 44 में कहा गया है, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसम। हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है, अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक लिप्त हैं और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। चूँकि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगा रहता है, अतः गृहस्थों को महद अर्थात महात्मा बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसलिए नंद महाराज ने विशेष रूप से महद विचलनम शब्द का प्रयोग किया है। गर्ग मुनि को नंद महाराज के यहाँ जाने में कोई स्वार्थ न था, अपितु गृहस्थ होने के कारण नंद महाराज जीवन का असली लाभ उठाने के लिए किसी भी महात्मा से उपदेश ग्रहण करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस तरह वे गर्ग मुनि के आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार थे। यह श्लोक इसलिए था कि वो माता जी कही थी कि गृहस्थ के बारे में बताइएगा। ब्रश अब माता जी गायब है। पूजा के समय बकरा गायब। भोजपुरी हिंदी में एक प्रोवर्ब है कि एक आदमी बकरा ले आया था काली पूजा के लिए, पूजा का अवसर आया तो बकरा गायब हो गया। इसलिए कहते हैं कि जिसके निमित्त ये हुआ वही गायब है। माता जी ने कल कही थी, हम लोग प्रसाद ले रहे थे तो बोले कि गृहस्थ के का धर्म क्या है बताइएगा, तो मैंने भागवत खोला था तो यही श्लोक निकल गया। ऐसे भागवत के किया तो श्लोक यही आया, तो मैं कहा कि यही लेते हैं। तो बहुत सुंदर इसमें नंद महाराज अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं गर्ग मुनि के सामने। गर्गाचार्य गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सु महातपा। गर्गाचार्य के विषय में सुखदेव गोस्वामी उनकी विशेषता, उनके बारे में विशेषण कर रहे हैं। विशेष उनके क्या गुण हैं कि महातपा, सुमहातपा, बहुत बड़े तपस्वी हैं और यदुवंशियों के पुरोहित हैं। गर्गह पुरोहितो राजन, यदु नाम यदुवंशियों के पुरोहित हैं। और सु महातपा, सु माने बहुत सुंदर, महा माने महान, तपा माने तप, बहुत सुंदर और महान तप, महान तपस्वी हैं गर्ग मुनि। वो कहीं जाते हैं किसी के यहाँ तो अपना स्वार्थ रख कर नहीं जाते हैं कि कुछ चावल कलेक्शन करेंगे, गेहूं कलेक्शन। गांव में पहले हम लोग बचपन में देखते थे, बनारस से साधुओं की टोली आती थी, गया से, जगन्नाथपुरी से, अयोध्या से। हम अपने गांव में भी देखते थे बचपन में, अभी भी आते होंगे। तो अयोध्या से बड़ा बड़ा जट्टा वाले, इतना बड़ा जट्टा वो लोग खोलते थे तो ज़मीन में ऐसे झाड़ू लगाता हुआ चलता था। कभी कभी वो लोग जट्टा खोलते थे तो जमीन के बहुत दूरी तक फैल जाता था उनका जट्टा। और कुछ लोग नग्न भी रहते थे, कुछ लोग केवल कौपिन पहन कर रहते थे शरद ऋतु में भी। और गाय का गोबर का जो कंडा है जला करके उसके सामने बैठे रहते थे। और राख को, कंडा जलाने के बाद जो राख बचता है ना, उसको एक करके उसको पीते भी थे लोग। गाय के गोबर का जो कंडा है उसका भस्म को साधु लोग पीते हैं और शरीर में भी लगाते हैं, उसको शरीर में भी वो लोग लगाते थे और उसी के अग्नि को तापते थे और रात भर भजन कीर्तन करते थे वो लोग। सोते बहुत कम थे वो लोग, हम बचपन में देखे हैं। और गांव में हर घर से धान है, चाहे गेहूं का सीजन है तो गेहूं कलेक्शन करके देते थे, लेकिन उनका उद्देश्य भजन कीर्तन भी लोगों को देते थे। और लेकिन यहाँ गर्ग मुनि के लिए कहा गया कि बिना निस्वार्थ था, बिना कोई स्वार्थ के, महत विचलनम, अपने आश्रम से निकलते थे। महत विचलनम, विचलनम मतलब जब कोई साधु अपने आश्रम से प्रस्थान करता है तो उसका उद्देश्य होता है जनता को लाभ पहुंचाना। और चैतन्य महाप्रभु भी यही कहें कि भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया है उसका काम है सामान्य जनता को लाभ पहुंचाना, अपने कार्य से, अपने आचरण से, अपनी शिक्षा से, अपने वक्तव्य से, हर चीज़ से। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने कार्य से पूरे विश्व को लाभ पहुंचाए हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व में ऐसा गृह का निर्माण किया है कि विश्व के हर जाति, हर संप्रदाय, हर वाद के लोग, हर विचार, हर रंग के लोग रहते हैं और आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने जो भी किया है विश्व मानव समाज के कल्याण के लिए, यही साधु का कार्य है। इसी को महत विचलनम, साधु कुछ करते हैं तो दूसरे के लिए। से वृक्ष जो है गर्मी में भी खड़ा रहता है और सर्दी में भी खड़ा रहता है। वृक्ष कभी डिमांड नहीं करता है कि मुझे कंबल दीजिए या ये दीजिए, मौन खड़ा रहता है। चाहे ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप हो तो भी वो पानी के बिना सूख जाता है। कभी कभी वृक्ष सूख जाते हैं ना पानी के बिना। बहुत गर्मी पड़ती है, लू चलती है तो कुछ वृक्ष सूख जाते हैं, लेकिन मांगते नहीं कि हमको पानी दीजिए, गर्मी में खड़े रहते हैं। और उसके नीचे अगर कोई जाता है तो उसको शीतलता प्रदान करते हैं, कि नहीं? जब बहुत गर्मी पड़ती है तो लोग वृक्ष का आश्रय लेते हैं। राहगीर लोग, जो रास्ता चलने वाले लोग, पैदल चलने वाले लोग, खास करके गांव में रहने वाले लोग आज भी पैदल चलते हैं। तो दोपहर की जब ग्रीष्म ऋतु मई जून महीने में गर्मी पड़ती है तो उस समय वृक्ष के यहाँ विश्राम लोग करते हैं दोपहर में। तो वृक्ष ताप को ले लेता है और उसके आश्रय में जो लोग जाते हैं उसको शीतलता प्रदान करता है। उसी तरह से वृक्ष की तरह साधु लोग होते हैं, महात्मा लोग। साधु मतलब जो दूसरे को कार्य को सिद्ध कर दे वो साधु है। साधु माने जो दूसरे के विघ्न को टाल दे, दूसरे के असुविधा को हटा दे, दूसरे के कार्य में सहयोग प्रदान कर दे, दूसरे के को सिद्धि अवस्था में ला दे, साधु है। तो गर्गाचार्य पुरोहित थे यदुओं के, यदुवंशियों के, और बहुत तपस्वी, तपस्या में रहते थे, महातप करते थे। ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः, नंद महाराज के गांव में गए, ब्रज के नंद महाराज के गांव में गए। ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव जी ने कहा था कि नंद महाराज के यहाँ जाइए, उनके दो लड़के हैं, उनका नाम संस्कार कर दीजिए। वो यह नहीं कहे कि एक हमारा लड़का है। ऐसे देखा जाए तो दोनों लड़के वसुदेव जी के ही थे, है कि नहीं? दोनों लड़के वसुदेव जी के ही थे, लेकिन वो बहुत चालाकी से कहे एक मेरा भी लड़का है बलराम और एक नंद महाराज का भी लड़का हुआ है, बुढ़ापे में उनको एक पुत्र हुआ है, तो आप कृपा करके नंद महाराज के यहाँ जाइए और उन दोनों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अगर कह देते कि वो दोनों मेरे ही पुत्र हैं, मैं ही रात में रखाया था कृष्ण को, नामकरण तो नहीं हुआ था, लेकिन ये कह सकते थे कि दूसरा वाला लड़का भी मैं मेरा ही है, मैं चोरी से रात को नंद के महल में रख कर आया था। ये नहीं कहे, ये अगर कह देते तो बात खुल जाती, तो कंस बहुत परेशान करता, वसुदेव को भी करता, नंद महाराज को भी, कि तुम इतना बड़ा धूर्तता किया, जबकि संकल्प किया था कि देवकी को मत मारिए, देवकी से जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको दे दूंगा। वसुदेव जी बहुत सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे। अब वसुदेव जी के सत्यवादिता पर कंस को ही विश्वास था, इसलिए कंस मान गया था कि वसुदेव कह रहे हैं कि अपने बात से हटेंगे नहीं। लेकिन वसुदेव जी कह करके भी आठवें पुत्र को नहीं दिए, गोकुल में पहुंचा दिए थे। इस रहस्य को अंत तक नहीं बताए किसी को, कि ये बता देते तो बहुत बड़ा संकट आ जाता, नंद महाराज के ऊपर भी और इनके ऊपर भी। कंस बहुत अत्याचार करता ना इन लोगों के ऊपर, इसलिए बात को नहीं कहे, कहे कि नंद के यहाँ भी, नंद को भी एक पुत्र हुआ है और मेरा भी रोहिणी से जो पुत्र है बलराम वहीं पर है, जाइए नाम। जब नंद, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, तब यदु कुल के पुरोहित एवं तपस्या में बढ़े चढ़े गर्ग मुनि को वसुदेव ने प्रेरित किया कि वे नंद महाराज के घर जाकर उन्हें मिलें। तो भेजने का उद्देश्य था बच्चों का नामकरण संस्कार। कई संस्कार होते हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अनुप्राशन संस्कार और द्विजाति संस्कार, विवाह संस्कार, 16 संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार होते हैं। और अंतिम संस्कार होता है दाह संस्कार, फिर श्राद्ध होता है, श्राद्ध संस्कार, मरने के बाद भी संस्कार होता है ना, लोग दाह संस्कार करते हैं, दाह संस्कार हो गया है। फिर ब्राह्मण भोज होता है, जैसे विवाह में जन्म उत्सव होता है, उसे मृत्यु के समय भी घर के लोग उत्सव मनाते हैं। वृद्ध माता पिता मर जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा भोज का आयोजन करते हैं। तो नाम संस्कार भी एक बहुत बड़ा उत्सव है। बड़े बड़े घरानों में, खास करके कुलीन परिवार में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में नाम संस्कार को बहुत उत्सव के रूप में लोग मनाते थे। बहुत अपने संबंधियों का आमंत्रित करते थे, बहुत बड़ा बड़ा पंडाल बनता था, ब्राह्मणों के द्वारा षष्ठी वाचन होता था और बहुत दान लोग देते थे, गोधन गजधन बाजी धना और रतन धन खान। पहले लोग दान में क्या देते थे? गोदान करना, हाथी, घोड़ा, गोधन गजधन बाजी धना और रतन धन खान, रत्न सोना चांदी जवाहरात, ये सब पारसमणि सब धन में होता था। आजकल कागज, लोग कागज का रुपया देते हैं, प्लास्टिक में खिलाते हैं, पहले लोग सोने में चांदी के बर्तन में खिलाते थे। मुंबई में हम लोग कई घरों में जाते हैं तो लोग चांदी के प्लेट में खिलाते हैं। ये बात देखो ना, प्रभु के मेंबर थे तो उनके घर में हम लोग गए थे, तो हर चीज़ चांदी का था, गिलास हो, कटोरी हो, थाली हो, मन करता था कि लेकर चले जाएं। ऐसा मन में हो रहा था। बहुत सुंदर सुंदर बर्तन, ऐसा होता था कि हम लोग खाकर और ये आदमी दे भी दे तो हम लोग ले भी जाएं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेट थे, थाली, गिलास, चम्मच, हर चीज़ चांदी का। तो पहले लोग सोने चांदी के बर्तन में खाते थे और पुराना होने पर फेंक भी देते थे, जैसे हम लोग प्लास्टिक को खाकर धोकर रख लेते हैं संभाल करके। लेकिन उस समय ऐसा नहीं, वो फेंक भी देते थे। पहले के लोग धनी होते थे तो ये सब से सोना चांदी होता था। उनके बाद बहुत गायें होती थीं, हाथी घोड़ा होते थे। जैसे नंद महाराज के 9 लाख गायें थीं, बहुत धनी थे, जमीन था। पहले गांव में लोग शादी करने आते थे तो देखते थे कि पूछते इसका कितना ज़मीन है, इसके बाद कितना गाय हैं, कितना बैल हैं, हाथी घोड़ा। जो धनी आदमी होता था हाथी घोड़ा गायें बहुत बैल होते थे खेती के लिए। जिसके दरवाजे पर एक ही बैल है तो बोलेंगे एक कंगाल आदमी है, एक ही बैल रखा है। एक बैल से कैसे खेती करेगा, कम से कम 2 बैल होगा, 4 बैल कम से कम जिसके पास होते बोलते हैं। हाँ, नहीं तो 10 बैल, 8 बैल, कोई 20 बैल रखते थे, माने 10 हल चलता। लोग बोलते हैं ये बड़ा बड़ा खेतीहर है। और गाय हैं तो बोलते हैं ये धनी है। हाथी, अब जिसके घर में कूता हो, बिलायती कूता हो और BMW कार हो तो बोले हाँ ये धनी आदमी है। अब गाय रखेंगे तो लोग उतना महत्व नहीं देते हैं, गाय रखा है। लोग महंगा कार रखे होंगे तो लोग बोले हाँ ये धनी आदमी है, BMW। एक बार हम बेलगाव में गए थे तो एक भक्त अपने घर में आमंत्रित किए थे, तो कार में बैठे तो हमको कार सामान्य ही लगा। लेकिन उसके आगे वाला सीट में मैं बैठा था, पीछे राधा श्यामचंद्र पर बैठे थे। तो वहाँ लिखा था BMW। तो मैं कहा कि ये BMW, बोले हाँ पर। मैं कहा मुझे तो साधारण कार जैसा ही लग रहा है। तो फिर नीचे वो लिखे थे बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। BMW का मीनिंग एक्सप्लेनेशन लिखे थे। B से बॉडी, M से माइंड, अभी W से वेल्थ। बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, दिस इज द मीनिंग ऑफ BMW। तो मैं कहा कि आपने ही BMW का मीनिंग समझा है, इसका मीनिंग कुछ और होता है। बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, BMW पर लिखे थे। फ्रंट वाला सीट के सामने जो बोनट होता है ना, BMW, फिर नीचे ली। तो मैं कहा कि प्रभु जी बहुत अच्छी बात आपने लिखा है। तो बोले प्रभु जी मैं एक कार जो है खुद नहीं चलता हूँ इस पर, बोले मैं तो बाइक रखा हूँ, बाइक से चलता हूँ। लेकिन कोई भक्त लोग आते हैं, महाराज लोग आते हैं तो इसका प्रयोग करता हूँ, मैं इस पर नहीं घूमता हूँ। बोले कि मैं भक्तों के सेवा के लिए रखा हूँ BMW। तो मैं कहा कि आप वास्तव में आप ही BMW हैं, बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। आप तन मन धन से भगवान की सेवा में, तो आप रियल में BMW हैं। तो भक्त को पहले लोग धनी इसी से माने जाते थे कि गायें होती थीं, और कोई साधु महात्मा आते थे तो उसका सेवा लोग करते थे। जैसे नंद महाराज के यहाँ जब गर्ग मुनि गए तो बहुत प्रसन्न, तम दृष्टवा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर च अधोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्परम। जब गर्गाचार्य नंद महाराज के भवन में प्रविष्ट हुए तो बहुत प्रसन्न हुए नंद महाराज। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को अपने घर में उपस्थित देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़ खड़े हो गए। यद्यपि गर्ग मुनि को नंद महाराज अपनी आँखों से देख रहे थे, अपनी आँखों से देख रहे थे। अपनी आँख से ही देखना है ना, दूसरे आँख से नहीं। लेकिन दूसरा चीज और करें, किंतु ये उन्हें अधोक्षज मान रहे थे। अपनी आंखों से देख रहे थे, उनमें भगवान को देख रहे थे, अधोक्षज को, या अपनी आंखों से देख करके भी जिनको नहीं हम देख पाते हैं, वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष नहीं थे, इसलिए अधोक्षज। अध अक्ष इति अधोक्षज, वे चर्म चक्षु से उनको नहीं देख सकते, वो भी अधोक्षज के समान हैं, भगवान के समकक्ष हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आनर्च अधोक्षज धिया प्रणिपात पुरशरम, अपनी आँखों से देख रहे थे किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे, अर्थात वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष नहीं थे। इसका मतलब यह भी होता है कि बहुत रेयर ही वो किसी के घर में जाते हैं। गर्गाचार्य को देखना, उनका संग प्राप्त करना बड़ा कठिन है। गृहस्थों के यहाँ बहुत ऐसे कम ही अवसर होंगे कि कोई गृहस्थ के यहाँ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे भगवान आत्मा राम है, आप्त काम है, वैसे गर्गाचार्य को कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उन्हें किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है, न किसी की उपेक्षा है, न अपेक्षा है। देयर इज नो एस्पेक्ट एंड देयर इज नो रिजेक्शन। क्या बोलते हैं उपेक्षा को? किसी का न उपेक्षा करते हैं, न किसी से अपेक्षा रखते हैं कि ये आदमी आया है तो ये दे सकता है बड़ा दक्षिणा। जैसे हम लोग काउंटर पर जब बैठते थे मेंबर बनाने के लिए, ये आदमी बहुत महंगा मोबाइल लिया है, तो उसके पीछे सारे प्रीचर लोग भागते थे, पहले मैं इससे संपर्क करूं। जब शुरू में 97 में मोबाइल का प्रचलन भारत में हुआ, तो हम लोग काउंटर पर देखते थे कि मोबाइल कोई लिया है, हाँ ये पैसा वाला आदमी है। शुरू में मोबाइल आया तो बहुत पैसे वाले लोगों के हाथ में मोबाइल रहता था, तो मोबाइल देखा सब उसको पकड़ना चाहते कि हाँ ये पैसा वाला आदमी हो। हमेशा देखते रहते कि हाँ ये आदमी देगा, ये आदमी देगा। अपेक्षा रखता है ना कि कलेक्शन करना है, कोटा भी है, इतना कोटा है, तो उसको करने के लिए अपेक्षा रखना ही पड़ता है। लेकिन गर्गाचार्य बिल्कुल आप्त काम, वो कभी किसी की नहीं, यहाँ जाएंगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा नहीं। लेकिन वहाँ गए क्यों तब? जब गृहस्थों से कोई अपेक्षा उपेक्षा ही नहीं तो क्यों गए थे? तो नंद महाराज का कार्य बनाने के लिए। गृहस्थों को, जो गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, परिवार के भरण पोषण में रात दिन काम करते रहते हैं, ऐसे गृहस्थ जो दिन रात काम में लगे रहते हैं, परिवार को भरण पोषण करने के लिए उनके पास समय नहीं रहता है, हमेशा कोई ना कोई काम में लगे रहते हैं, इसलिए उनको दिन चेत शाम कहा गया है। दिन चेत शाम, वो बेचारे इतने दिनहीन हैं कि उनको कभी शहर जाने के लिए भी समय नहीं मिलता है। हमारे गांव में एक आदमी थे, तो वो कभी सिटी में नहीं गए थे, गांव के दूसरे गांव में भी हमको लगता है कि नहीं गए थे। हमेशा गाय भैंस चराते थे। एक बार वो बनारस में गए, कोई उत्सव हुआ था, गंगा स्नान कोई हुआ था कि जो गंगा स्नान करेगा पियरी साड़ी चढ़ाएगा, कुछ ऐसा अफवाह लोग फैलाए थे, तो उसमें हर गांव के लोग जाते थे बनारस गंगा स्नान में, तो भी गए थे। तो पहली बार वो भभुआ स्टेशन में ट्रेन देखे थे, सुने थे कि यही रेलगाड़ी है और काट देती है आदमी को, तो कहे कि ये बच्चा यही रेलगाड़ी है, काट कर भाग जाती है। अपनी भाषा भोजपुरी में कहे कि ये बच्चा ये रेलगाड़ी है, ये काट के भाग जाले। उनको लगता था कि ये काट करके और भाग जाती है, उनको मालूम नहीं कि इसमें ड्राइवर है, ड्राइवर चलाता है, उसमें कोई गलती से आ गया तब करता हो। उनको था कि ये आकर काट कर और भागती है, ऐसा उनको भ्रम था। तो कहे कि यही रेलगाड़ी है जो काटकर भागती है, ये किसका है, वो पूछे उनके साथ जो लोग गए थे, ये किसका रेलगाड़ी है। तो जो आदमी तो बोले कि सरकार का है। तो है कि सरकार पांडे जी से भी ज़्यादा धनी है, हमारे गांव के बगल में पांडे जी हैं बड़े ज़मींदार, तो उनके दिमाग में था कि इनसे बड़ा धनी दुनिया में कोई नहीं होगा। तो वो कहे कि सरकार कौन है बच्चा, और इस सरकार क्या पांडे जी से भी ज़्यादा धनी है क्या? और कभी गए नहीं थे कहीं, उनके कहते बहुत भोले भाले थे। उनका नाम था बौड़ी बाबू, गाय चराते थे। कोई भी गांव का लड़का बोलता था बौड़ी बाबू हमारा भी गाय थोड़ा चराइए, मैं खा कर आता हूँ। अब खाने गया तो दिन भर गाय चराएंगे, वो शाम का तो गाली देंगे, दो गाली देंगे फिर शाम तक। बोले कि तुम बोला था कि खा कर आ जाऊँगा, शाम हो गया। ऐसे उनको लोग गाँव में लोग किसी का भी बोल देगा कि आप थोड़ा हमारा भी गाय चराते रहिए, मैं खा कर आ, तो दिन भर गाय चराएंगे। उसका बहुत भोला भाला सरल स्वभाव के थे, लेकिन कहीं जाते नहीं थे, गांव से बाहर नहीं। गांव से निकलेंगे तो जंगल की ओर, खेती की ओर। दिन चेत शाम, बहुत सरल। तो नंद महाराज को भी दिन चेत शाम, नंद महाराज अपने आप को ही कह रहे हैं कि दिन चेत शाम, महद विचलनम निर्णाम गृहणाम दिन चेत शाम, निःश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। हे महानुभाव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दिनचित गृहस्थों के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं, अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। नंद महाराज कह रहे हैं गर्गाचार्य जी की, आपके जैसे महान भक्त, महान तपस्वी लोग कहीं जाते हैं तो हम जैसे दिनहीन गृहस्थों के उद्धार के लिए जाते हैं, नहीं तो आपका तो घूमने में कोई रुचि नहीं होता है। साधु लोग कोई पिकनिक मनाने के लिए या मनोरंजन करने के लिए नहीं निकलते हैं, निकलते हैं तो दूसरे जीवों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि पर उपकार कार्य करना चाहिए, जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया उसको पर उपकार करना चाहिए। भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जान, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो पर उपकार का अर्थ है तो रोटी कपड़ा मकान ही नहीं दे देना, किसी का घर नहीं, घर बनवा दिया, कपड़ा दे दिया, वो नहीं। असली उपकार है उसकी चेतना को, जो इंद्रिय तृप्ति में जिसकी चेतना रची पची है, जो शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठा है और उसी भौतिक जीवन को, संसारी जीवन को ही उच्चतर और सुखमय बनाना चाहता है, और इसके परे उसको कुछ ज्ञान नहीं है कि हम देह नहीं आत्मा हैं और आत्मा का उद्धार कैसे हो। ये विषय में अगर नहीं जानता है तो उसका ज्ञान करा देना और भगवान से संबंध करा देना, अगर भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करा देना, यही सबसे बड़ा उपकार है। रोटी कपड़ा मकान तो ये समस्याएं जब तक भौतिक शरीर है तब तक रहेंगी, इस शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, फिर वही पुनः पुनः सर्विस सर्वणानम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस शरीर में मान लीजिए कोई हमको घर बना कर दे दिया, बहुत पैसा दे दिया, लेकिन फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो बार बार लगी रहेगी, बार बार समस्याएं आएंगी। लेकिन जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसकी औषधि अगर दे दे, एने छे औषधि माया नासी बारे लागी, जो इसको औषधि दे दे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार हम माँ के गर्भ में जाते हैं, बार बार बूढ़ा होते हैं, शरीर ये करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि और फिर देहांतर करना। माँ के गर्भ में 9 महीने रहना, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक शरीर से दूसरा शरीर, इसका जो उपाय बता देता वही सबसे बड़ा परोपकारी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उपकारी वही है जो इस भव रोग से हमें निकाल दे। जो हम बार बार शरीर प्राप्त करते हैं, जो रुग्ण होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसी अवस्था आ जाए कि मृत्यु हुई पराजित हो जाए, मृत्यु की पराजय। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि मृत्यु को हम पराजित करके भगवान के धाम में जाए। प्रभुपाद जी ने किताब लिखी ना, मृत्यु की पराजय। अजामिल ने मृत्यु को पराजित कर दिया। प्रभुपाद जी ने एक और किताब, ज्ञान की तलवार। हम ज्ञान की तलवार से इसको, जो मृत्यु के जो सैनिक हैं, जो मृत्यु के जो अस्त्र से, उसको काट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए ज्ञान रूपी तलवार से। मृत्यु के जो योद्धा हैं, मृत्यु के जो अस्त्र शस्त्र हैं, हमें ज्ञान रूपी तलवार से उसको काटते हुए मार्ग को प्रशस्त करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अब मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या बधु जीवनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मसनपनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो मानवता के लिए परम वरदान साबित हुआ है, जो हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है और बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु जरा व्याधि को शांत करने वाला है और मंगलमयी चंद्रिका का वितरण करने वाला है। तो ऐसे ज्ञान के तलवार को अगर कोई देता है महात्मा, अगर यह हमें बता दे कोई, और हमारे मति को, हमारे ज्ञान को उसमें अवस्थित कर दे, तो यही सबसे बड़ा हमारा उपकारी है। तो ज्ञान की तलवार चाहिए। एक आदमी ने कहा कि, एक कवि ने लिखा कि एक कलम है और एक तलवार है, क्या चाहिए आपको? दो चीज़ हमें चुनाव करना है। ज्ञान की तलवार क्या है? कलम है। एक न्यू मुंबई में एक जगह है कलम बोली, तो वहाँ कथा था, तो हम कहें भाई कलम बोली नाम क्यों है? यहाँ कलम भी बोलती है क्या? कलम बोलती है वास्तव में। प्रभुपाद जी की कलम कितनी आज तक बोलती है कि लोग उसके प्रभाव से लोग अपने जीवन को भक्तिमय जीवन में बदल रहे हैं। प्रभुपाद जी कलम कितनी प्रखर थी कि लोग अपने अज्ञान को, मोह को, भ्रम को प्रभुपाद जी के कलम से काट करके आ जाते हैं। तो कविता मैंने पढ़ा था कि दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार। कभी कहता कि दो चीज़ें है, कलम है, तलवार, ये दो में से क्या चाहिए तुम्हें? दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार। कहता है कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, और दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तलवार का उतना काम नहीं होता है, तलवार का राज बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। जब तक बाजूबंद में ताकत है तब तक, तो फिर वही आदमी भी पराजित हो जाता है। लेकिन कलम का जो राज है, जो कलम में शक्ति है, वो कभी पराजित नहीं हो। जैसे प्रभुपाद जी ने के, प्रभुपाद जी अपने लेखनी से इतना साहित्य लिखा है कि वो साम्राज्य अक्षुण साम्राज्य है। ISKCON का जो आध्यात्मिक साम्राज्य है बढ़ता ही है, बढ़ ही रहा है, इसका कभी पराभव नहीं है। इसलिए कलम ही सबसे बड़ी शक्ति है, लोगों के दिल और दिमाग को बदल देती है, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो ऐसे ज्ञान चक्षुषा जो अपने ज्ञान की तलवार से सांसारिक, पारिवारिक आसक्ति को जो काट करके हमारे मति को भगवान में मति और कल्पिता, जैसे भीष्म पितामह कहे कि हे प्रभु मेरे मति रूपी कन्या को अपने चरणों में बांध लीजिए, हम या हमारे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमल के पिंजड़े में बांध लीजिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरात्रम अदैव में विशत, आज ही मेरे मन रूपी राजहंस पक्षी को अपने चरण कमल रूपी पिंजड़े में बांध लीजिए। तो यहाँ पर नंद महाराज अपने हृदय के उद्गार को प्रकट किए गर्गाचार्य के यहाँ कि आपके जैसे महान भक्त तपस्वी जो कभी गृहस्थों के यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन आपका आगमन हुआ है तो इसमें अवश्य ही मेरा बहुत बड़ा कल्याण होगा। कोई महान भक्त किसी के यहाँ आ जाए तो समझिए कि उस गृहस्थ का घर तीर्थ हो गया है, और जिस गृहस्थ के यहाँ कभी साधु का आगमन नहीं होता है तो घर जो है स्मशान की तरह है। गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा अवसर है कि उसके घर में अगर साधु महात्मा आए, और ऐसे गर्गाचार्य जैसे महान भक्त अगर किसी घर में आ जाए तो उसका जीवन जो है बदल जाता है। जिस घर में कभी साधु महात्माओं का आगमन नहीं होता है, जहाँ कीर्तन नहीं होता है, जहाँ भागवत कथा नहीं होती है, तो घर श्मशान की तरह है। एक हिंदी के कवि ने लिखा है कि जहीं घर साधु न पूजिए, हर की सेवा ना ते घर मरघट सारखे भूत बसे तिन माँ। ते घर मरघट सारखे, मरघट माने श्मशान, भूत बसे तिन माँ, वहाँ भूत का निवास होता है। जो घर में लोग मांस मदिरा खाते हैं, कभी भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, जहाँ कभी साधु का भी आगमन नहीं होता है, न यत्र बैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रया न यज्ञेश न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको पिनवई ससेव्यताम। जिस जगह में या जिस घर में कभी भगवान की, वैकुंठपति भगवान की कथा सरिता नहीं बहती है, इसलिए कुशल गृहस्थ अपने घरों में कथा कीर्तन का आयोजन कराते हैं, भक्तों को आमंत्रित करते हैं, उत्सव मनाते हैं। बहुत आज भी ऐसे परिवार हैं जो अपने घरों में जन्माष्टमी का उत्सव लोग मनाते हैं। आज भी बड़े बड़े मुंबई में भी हम देखे हैं जो संभ्रांत परिवार वाले परंपरा से उनके घरों में हर उत्सव होता है, चाहे रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, कोई ही बड़ा बड़ा उत्सव लोग मनाते हैं मंदिरों जैसा, और घर में ही बड़ा बड़ा मंदिर लोग बनाए हैं। पहले भारतवर्ष में ऐसा होता था। तो न यत्र बैकुंठ कथा सुधा पगा न भागवत हो तो महद विचलनम निर्णाम। नंद महाराज समझ गए थे कि गर्ग मुनि इसी काम के लिए आए हुए हैं, अतः अब उनका कर्तव्य था कि वे गर्ग मुनि के उपदेश के अनुसार कार्य करें। अतः उन्होंने कहा कृपा करके मुझे मेरा कर्तव्य बतलाएं, हम गृहस्थों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। कोई ऐसे महात्मा आ जाए तो गृहस्थ लोग पूछते थे कि हमें हमारा कैसे उद्धार होगा, हम घर गृहस्थी के दलदल से कैसे निकलेंगे। तो लोग जिज्ञासा करते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो बहुत सुंदर नंद महाराज अपनी भावनाओं को गर्गाचार्य के यहाँ प्रकट किए हैं। गर्ग मुनि को नंद महाराज के यहाँ जाने में कोई स्वार्थ नहीं था, अपितु गृहस्थ होने के कारण नंद महाराज जीवन का असली लाभ उठाने के लिए किसी भी महात्मा से उपदेश ग्रहण करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। और नंद महाराज भी कोई सामान्य गृहस्थ नहीं थे, वो भी हमेशा ललायित रहते थे कि कोई गृहस्थ आए, अरे कोई सन्यासी, कोई भक्त आए और हमें उपदेश दें, जिससे हमारा जीवन भक्ति में जीवन में बीते। प्रभुपा जी लिखते हैं कि नंद महाराज जीवन का असली लाभ, जीवन का असली लाभ क्या है? असली लाभ उठाने के लिए किसी भी महात्मा से उपदेश ग्रहण करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस तरह वे गर्ग मुनि के आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार थे। प्रभुपाद जी और लिखते हैं कि जिस तरह से भगवान आते हैं तो भगवान का अवतार का कोई और कारण नहीं है। भगवान आते हैं जीवों को लाभ पहुंचाने के लिए। परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, तात्पर्य में लिखे हैं परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। श्री भगवान का यही कार्य है और भक्तों का भी यही कार्य होता है, पर उपकार अर्थात सामान्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करने का, सामान्य जनता के लिए कल्याण कार्य करने का। यह कार्य जो कोई पूरा करता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। प्रभुपाद जी लेकिन जो जन कल्याण कार्य करता है जनता के कल्याण के लिए वो भगवान को बहुत प्रिय है। और साधु का यही कार्य है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करना। जो कोई भी कार्य करता है तो जनता के लिए, और सामान्य लोग अपने के लिए करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। इन साधु जो है ब्रॉड माइंडेड होते हैं, विशाल हृदय, वो अपना और पराया नहीं देखते हैं। ये नहीं सोचेंगे हमारा है, नहीं, वसुधैव कुटुम्बकम। महान जो प्रवृत्ति, महान संत वृत्ति के जो लोग होते हैं, ये अहम ममेति, ये हमारा मित्र है, शत्रु, इससे परे होते हैं, द्वैत से परे होते हैं। इन ड्वाइलिटी नहीं होता है उनमें। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, चाणक्य पंडित कहते हैं। जिसकी चेतना बहुत संकीर्ण है, बहुत नेरो थिंकिंग वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि अरे तो हमारा नहीं है, इसको क्या देना है, हट भगाओ इसको। अयम निजः परो वेति गणना, ये गणना करता है कि मेरा है, पराया है, तो लघु चेतसाम है, बहुत संकीर्ण सोच का है, तुच्छ सोचने वाला है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, जो उदार, जैसे प्रभुपाद कितने उदार थे, अपने परिवार के लिए बल्कि नहीं कुछ किए, अपने परिवार के लिए कहाँ कुछ किए, एक घर भी नहीं बना कर दिए। बाद में प्रभुपाद जी के शिष्य लोग किए, और लेकिन पूरे संसार के लिए ही बिल्ड ए हाउस इन विच होल वर्ल्ड कैन स्टे पीसफुली। प्रभुपाद जी के विषय में कहा जाए कि उन्होंने विश्व में एक ऐसे गृह का निर्माण किया है इसमें सारी विश्व की जनता उसमें सुख में जीवन बिता सकती है। ही बिल्ड ए हाउस इन विच होल वर्ल्ड कैन स्टे पीसफुली, शांति से। तो जन समाज, जन समुदाय के सुख के लिए उन्होंने बनाया है, बल्कि अपना उनका जीवन तो संपूर्ण संघर्ष में बीतता गया। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले हैं कि मुंबई में बहुत सुंदर क्वार्टर बना है लेकिन मुझे टाइम नहीं है कि वहाँ रहूं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले कि मुंबई में जब मंदिर बना तो प्रभुपाद क्वार्टर पहले तैयार किया गया, बहुत सुंदर है प्रभुपाद क्वार्टर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे अपने शिष्यों के माता पिता से शाप मिला, जैसे नारद मुनि को दक्ष से शाप मिला था कि आप कहीं रह नहीं सकते हो, कहीं रह कर आराम से फ्लैट में विश्राम नहीं कर सकते हो। नारद जी को शाप दिए ना दक्ष कि तुम कहीं रह नहीं सकते हो, एक साल रह कर अच्छा घर में अच्छा सुख नहीं। वैसे हमारे शिष्यों के माता, हमारे शिष्यों के जो माता पे उन्होंने शाप दिया मैं कहीं रह नहीं पाता हूँ। प्रभुपाद जी एक दिन दो दिन भी नहीं रह पाते थे। मैं चाहता हूँ कि इतना सुंदर घर बना है, प्रभुपाद क्वार्टर बनाया गया, तो उसमें रहें कुछ, लेकिन नहीं। वो दूसरे के लिए किए हैं। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष में प्रभुपाद जी कितना संघर्ष किए प्रचार के लिए, और उसका लाभ जो है सामान्य जनता उठा रही है। इसको कहते हैं साधु, और वही बात यहाँ प्रभुपाद जी लिखे हैं। सामान्य जनता के कल्याण कार्य करने का यह कार्य जो कोई पूरा करता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। जो दूसरे के लिए अपना जीवन बलिदान करता है, अपना धन, अपना हर चीज़, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम। जो भगवान के संदेश को इस भूतल पर प्रसारित करता है तो भगवान का बहुत प्रिय है। भगवान के ही संदेश है ना कि लोगों को माया से निकाल कर उनके आध्यात्मिक चेतना में अवस्थित करना। जो लोग दुखी हैं माया के, माया सुखाय भरमुद बहतो विमूढ़ान, जो सुख नहीं उसी को सुख मान रहे हैं। असतेर सत्यम करिमानी, लोग झूठे माया सुख के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं। और खोदा पहाड़ निकली चूहिया, घर बनाए एक किए, सब कुछ किए, और सोचते हैं कि ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुखी नहीं हो पाते हैं, बल्कि घर ही उनका मृत्यु का कारण हो जाता है। तो बहुत अच्छा घर बनाते हैं, उसमें सब कुछ समझते हैं, और बड़ा घर आकर्षक देखकर उस पर ही डाकू लोग आक्रमण कर देते हैं कभी कभी। ये बहुत अच्छा घर बनाया है, बहुत अच्छा गाड़ी रखा है, पैसा वाला है। कभी कभी आक्रमण हो जाता है, लोग मारकर धन ले जाते हैं। प्रभुपाद लिखें कि ये सूखे लागी या गृह बांधिया अनल पुलिन गेला। यूँ सोचता कि हर चीज़ कर लिया, घर बना दिया, अब बहुत सुखी रहूँगा, लेकिन कभी कभी घर ही मृत्यु का कारण हो जाता है। कभी कभी महंगा कार में लोग चलते हैं, वो कार ही मृत्यु का कारण हो जाता है। किडनेप लोग कर लेते हैं, कार सहित हैं। महंगा कार देख करके किडनैपर लोग पीछा करने लगते हैं, हम लोग देखे हैं। अब जान बचाना ये हो जाता है। महंगा कार लेकर चले तो उस पर भी जो कार चोरी करने वाले हैं, तो ये आदमी इतना महंगा, इसको कार सहित किडनैप कर लेते हैं लोग, डिमांड करते हैं कितना पैसा। संसार की हर वस्तु जो है अंततः दुख ही देती है, लेकिन फिर भी लोग उसी के लिए प्रयास करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि माया सुखाय भरमुद बहतो विमूढ़ान। माया सुख के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, वास्तव में वो अंत में हमें दुख ही देकर जाता है। वैसे ही जैसे खुजलाने पाछा लगता है, कंडू यने न करो रिव दुख दुखम। खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो और दुख को बढ़ा देता है। खुजली खुजलाने से ही बढ़ता है और पश उसमें आता है। नहीं खुजलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। भौतिक सुख की चाह ही दुख का कारण है। तो यहाँ पर महात्मा का क्या कार्य है, नंद महाराज बहुत सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत किए हैं कि आपके जैसे महात्मा का आगमन हुआ तो मैं कृतार्थ हो गया। अब वास्तव में गर्गाचार्य जैसे महात्मा, ऐसे महात्मा किसी गृहस्थ के यहाँ अगर आ जाएं तो उसका जीवन जो है बदल जाता है। प्रभुपाद जहाँ जहाँ गए हैं, प्रभुपाद जी जिससे जिससे मिले हैं, उसका जीवन बदल गया है। एक रशियन भक्त कहे कि हम तो केवल प्रभुपाद जी से 5 मिनट मिले थे, और 5 मिनट में ही जीवन बदल जाता है। तो ऐसे गर्गाचार्य जैसे पुरोहित का आगमन हो अगर किसी के घर में, तो उसका जीवन में 4 चांद लग जाता है। केवल संग से, थोड़ा सा संग से आदमी के जीवन में महान परिवर्तन हो जाता है। जैसे राजा रघुगण जब जड़ भरत के संसर्ग में आए तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया, या मृगारी नारद जी के संसर्ग में आया तो उसका जीवन महान वैष्णव बन गया। प्रभुपाद जी कितने मृगारियों को भक्त बना दिए। नारद जी तो बहुत कम, प्रभुपाद जी पूरे विश्व में जितने मृगारी थे सबको खोज खोज करके उनका धनुष बाण तोड़ करके भक्त बना दिए। प्रभुपाद जी वास्तव में बहुत बड़ा काम किए हैं। कितने मांसाहारी, बेविचारी, शराबी, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिए और अपने ग्रंथ के रूप में, किताबों के रूप में अमर हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी अपने किताबों में हैं और उन किताबों के माध्यम से भी लोगों का परम कल्याण कर रहे हैं। यह श्लोक में बहुत सुंदर उपदेश है। पहले गृहस्थों का घर हमेशा खुला रहता था तिथियों के लिए। लिखते थे कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, आ दान किए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। पर ऐसा ऐसा लोग लिखते थे। चरमण रति में आप हम लोग जाते हैं, कितना बहुत सुंदर सुंदर सूक्ति लिखा हुआ है। यहाँ आप आ करके खाए तो आपके अंश में जो वस्तु था आप यहाँ आकर स्वयं स्वीकार कर ली, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। माने जो वस्तु आपके लिए निर्धारित थी उसको हमको पार्सल करके भेजना नहीं पड़ा, आप खुद अपनी वस्तु को, अपने हिस्से को स्वीकार कर लिए, तो इसके लिए आपको धन्यवाद है। हर आदमी का कहाँ क्या कितना अंश है निर्धारित है। तो वहाँ एक चौपाई लिखा था कि अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है और खाने के दाने दाने पर नाम लिखा कर आता है। जैसे हम लोग गए रमण रेती में तो सबको लोग भोजन कराए, मतलब हम लोगों के लिए निर्धारित था। उस भोजन के दाने दाने पर नाम अंकित था कि इनके फेवर में है, इनके लिए है। कभी कभी घर में भोजन बनता है लेकिन आदमी नहीं खा पाता, अचानक कोई जरूरी निकल जाता है। थाली में काढ़ा हुआ भोजन, ऐसा अर्जेंट कोई मैसेज आया आदमी छोड़कर भाग जाता है, उसको खाने के लिए कहीं और निर्धारित है। वो जो निर्धारित किया हुआ वस्तु अगर आकर आप स्वयं ले लिए तो उसके लिए धन्यवाद है। ये है ना कि आप अपने शेयर की वस्तु को आकर स्वीकार कर लिए। तो भारत की संस्कृति, हर घर में ऐसा भाव होता था। लोग लिखते थे कि ये घर आपका ही, आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या लिखते हैं, बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। एक जगह हम भागवत सेट देने गए थे तो बेल मारे थे, माता जी निकली नहीं, वो दरवाजे में ऐसे होता है ना जाली, दरवाज़ा नहीं खुली, उसे इतना डांटने लगी हम लोगों को, और या फिर पुलिस बुलाती हूँ। अब लोग कहाँ से आए हो, तो हम लोग कहे कि आपका लड़का मेंबर बना है, वो बुक शेड देने आए हैं हम लोग। वो लड़का बताया नहीं था, तो वो फ़ोन की, बहुत जैसे कुत्ते नहीं भौंकते हैं वैसे बहुत ये कर रही थी, लगता है ये कर देगी। पहले लोग स्वागत करते थे, कोई आता था तो सुस्वागतम, कोई अतिथि आते थे तो अतिथि देवो भव ऐसा भाव रखते थे। अब कोई ऐसे आ गया तो तुरंत पुलिस में फोन करेंगे लोग कि एक अनजाना व्यक्ति आ गया, कोई चोर होगा, डाकू होगा। परिस्थितियाँ बदल गई हैं, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। तो नंद महाराज जो है गर्ग मुनि का बहुत स्वागत किए, आसन दिए, पहले बैठने के लिए जगह दिए, फिर उनका पाद प्रक्षालन किए, फिर उन खाने को दे, तब निवेदन किए। पहले कोई आता है तो उसको बैठने का आसन देना चाहिए, फिर जलपान कराना चाहिए, फिर खाने के लिए देना चाहिए, तब फिर पूछना चाहिए। तम दृष्टवा परमः प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि आंदर्च अध्यक्षोधिया प्रणिपात पुरः शरम। जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि को अपने घर में उपस्थित देखा तो इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े हुए खड़े हुए। अद्यपि गर्ग मुनि को नंद महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे किंतु उन्हें धोक्षज मान रहे थे। कृपा करके आज्ञा दीजिए। हे महानुभाव, तो हो गया। हे संत पुरुष, आपने ज्योतिष ज्ञान को संकलित किया है। जो ज्योतिष ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी, उसके जनक हैं। गर्गाचार्य जी एस्ट्रोलॉजी को संकलित किए हैं। कोई भी मनुष्य अदृश्य भूत और वर्तमान बातों को समझ सकता है। इस ज्ञान के बल पर कोई भी मनुष्य यह समझ सकता है कि पिछले जीवन में उसने क्या किया और वर्तमान जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब ये जानते हैं तो गर्गाचार्य इसमें बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, इसको उन्होंने दिया है। ऐसे महात्मा के आने पर बहुत स्वागत किए, बहुत प्रसन्न हुए गर्गाचार्य। हमसे निवेदन किए कि हमारा क्या कर्तव्य है। हमारे जैसे दिनहीन गृहस्थों का मार्गदर्शन कीजिए। ये नंद महाराज का उद्गार जो है गर्गाचार्य के प्रति। धन्यवाद।